श्रमिक चेतना सुरक्षा संघ पूर्णिया की ओर से पूर्णिया के ठाकुरबाड़ी में 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों को जागरूक करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया और सभी ने एकजुटता के साथ इस दिवस को मनाते हुए मजदूरों की समस्याओं को संगठित होकर दूर करने के लिए आवाजें बुलंद की। इस दरमियान बताया गया कि मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार तनिक भी फिक्रमंद नहीं है। कई बार मजदूरों के साथ घटनाएं घटती हैं, वैसी परिस्थिति में मजदूरों के साथ न तो कंपनी के लोग रहते हैं और न ही सरकार ही मजदूरों को सही न्याय दिला पाती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मजदूर एकता के साथ ही इस पर सफलता हासिल की जा सकती है, इसीलिए वे लोग इन मुद्दों को लेकर अब आंदोलन करेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में मजदूर एकत्रित देखे गए और सभी ने एकजुटता के साथ आवाजें बुलंद की। आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के इस अवसर पर श्रमिक चेतना संघ की तरफ से आज मजदूर संघ हम लोग मना रहे हैं। मांग हम लोग का तो वैसे बहुत है, लेकिन मुख्य मांग अभी हम लोग का है कि श्रम कार्यालय से जो मजदूरों का निबंधन कराया गया है, निर्माण मजदूर का निबंधन आज से कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले तक प्रत्येक साल निबंधित मजदूर को 3,000 रुपया करके मिलता था, वह 3,000 रुपया भी मिलना बंद हो गया है। दूसरा है कि जो लोग निबंधन कराए हैं उन लोगों का साल में एक बार रिन्यूअल होता है, जो रिन्यूअल श्रम कार्यालय से भी बंद हो गया है, श्रम कार्यालय से निबंधन नहीं हो रहा है, उन लोगों का लापरवाही है। और जिनका निबंधन नहीं हुआ है उसको कोई लाभ सरकार के तरफ से नहीं मिल रहा है, इसलिए निबंधन कराने के, रिन्यूअल कराने के लिए हम लोग आज का मीटिंग भी किए हैं। लेबर ऑफिस में फिर लिख करके भी देंगे कि हमको, हम लोग का निबंधन कराया जाए। दूसरा, बहुत आदमी, जितना भी मजदूर लोग निबंधन कराए हैं, निर्माण मजदूर लोग, उनको जो सरकार के तरफ से पहले 15,000 रुपया मिलता था वह बहुत को मिला है, बहुत को नहीं मिला है, मतलब कम को मिला है, ज़्यादा को नहीं मिला है। तो हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, श्रम कार्यालय में जाके आग्रह करेंगे कि निबंधित मजदूरों को सरकार की तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए यतिशीघ्र वह लाभ मिले। और इसीलिए आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं सरकार को जनाने के कि अपना समय यहाँ भी दिए हैं और खेत में भी काम करते हैं। कुछ लोग मजदूरी करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसको तो आज अगर काम खेत पर, मालिक के खेत पर काम करने के लिए नहीं जाएंगे उसको पैसा नहीं मिलेगा। उद्योग में, जिस उद्योग में मजदूर काम कर रहा है और संगठित मजदूर, वो अगर वहाँ पर हाजिर बनाएगा नहीं बनाएगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो कि आपका ठीक कहना है कि सरकारी सेवा का छुट्टी मना रहा है और संगठित मजदूर अपने खेत मालिक के यहाँ काम करता है, और संगठित मजदूर को आज का पैसा मिल रहा है सरकारी सेवक को, और संगठित मजदूर को आपको मालिक पैसा नहीं देगा, जिसके यहाँ ही काम करता है, अगर काम पर नहीं जाएगा तो आज का मजदूरी नहीं मिलेगा, लेकिन उसको तो पेट है, भुखमरी है, लाचारी है, इसलिए बेचारा काम पर भी चला जाता है। पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी बॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सजने से लेकर सवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा अर्थोल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस ऑल प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, प्लेट्स, कप एंड मेनी मोर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन शिमी बॉक पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास, जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहाँ आपको मिलेगा हैम्पर्स, बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें शिमी बॉक, मातारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपको देता है 100% जॉब की गारंटी, अब आप भी बन सकते हैं ग्रामीण डॉक्टर। जी हाँ, आर्यभट्ट लेकर आया है CMS and ED कोर्स। CMS and ED कोर्स करें और ग्रामीण डॉक्टर बने। रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्स करने के लिए आज ही संपर्क करें आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कप्तान पारा, नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7739025533।